खुफिया चीज़ें छुपा सकते हो गाइस, समझ रहे हो आप इसको इसका। तो आज हम बात करने वाले हैं इस गाय बैग के बारे में। यार इस बैग की हालत बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई है, इसको 2-3 साल से मैंने धोया नहीं है, बट यार मैं इस्तेमाल करता हूँ, मुझे ऐसा सब पसंद है। तो ये स्काई बैग काफ़ी सही बैग लगती है गाइस मुझे, बिकॉज़ मैं इसको यूज़ करता हूँ और मैंने इसको ख़रीदने का डिसीजन लिया था, और मुझे ऐसा कभी रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने इस बैग को क्यों ख़रीदा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्काई बैग है गाइस, इसकी ब्रांडिंग भी काफ़ी डिसेंट। अब ये बहुत गंदा हो गया है, आपको दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं, तो ये काफ़ी सही है। अगर आप इस वाइट कलर को ले रहे हो तो ऐसा मत कीजिए गाइस जैसे मैं कर रहा हूँ, अपने बैग को धोते रहिए, क्योंकि धोने के बाद ये बैग काफ़ी सही दिखती है गाइस। और ये इसके पीछे के साइड से इसमें काफ़ी सही पैडिंग है पीछे के साइड से गाइस, और ये भी काफ़ी सही है, बिल्ट टू लास्ट ट्रैप। तो गाइस ये तो बात सच है, क्योंकि इसके स्ट्रैप्स को आज तक कुछ हुआ नहीं है, और ये स्ट्रैप्स काफ़ी सही है, इसकी पैडिंग आज भी वैसे ही सॉफ्ट पैडिंग है गाइस, और आप देख सकते हैं। और इसके अंदर एक खुफिया सी चेन भी है गाइस, जहाँ पे आप ये चीज़ है जिसके अंदर, इसको कहते हैं रेन कवर गाइस। तो इसमें से कभी भी बारिश अगर हो जाती है तो आप इसको रेन कवर लगा सकते हैं। और इस ये तो अभी फ़िलहाल फट चुका है, इसको 5-6 साल हो चुके हैं, मैंने इस बैग का ठीक से ध्यान भी नहीं रखा है। और इसके अंदर आप कुछ भी खुफिया चीज़ें छुपा सकते हो गाइस, समझ रहे हो आप इसको। इसका खास बात यह है कि इसके साथ उन्होंने एक ये दिया हुआ है, जो कि आपके स्ट्रैप में यहाँ पे, जो कि आपके यहाँ पे ऐसा अटक जाएगा, और फिर वो काफ़ी सिक्योर रहता है कि मतलब आप भागोगे फिर भी कुछ सीन नहीं होगा। काफ़ी सही वो मुझे लगा, एक छोटी सी चीज़ है बट काफ़ी सही चीज़ है वो। आगे का ये चेन है, इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें रखी हुई है, और फिर गाइस इसके बाद ये इसकी पीछे की भी चेन है, ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, इसमें भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी रखी है। इसमें हम लोग कुछ अपने नोट्स रख सकते हैं, या ऐसा कुछ रख सकते हैं, या कार्ड्स आपको जो पसंद है वो रख सकते हैं। इसमें पेन को लटका के रख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक और स्काई बैग की ब्रांडिंग की गई है यहाँ पे, और यहाँ पे भी हम लोग शायद से पेन या ऐसा कुछ तो रख सकते हैं हमें अगर चाहिए तो। सो इसके अंदर एक और चेन है गाइस, उसको अगर हम लोग ओपन करेंगे उसके अंदर हम और सामान रख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी उसके अंदर सामान रखा हुआ है। और यहाँ पे की चेन या फिर चाबियों को रखने के लिए भी एक ये दिया हुआ है, इसके अंदर आप आपकी चाबियाँ रख सकते हो, ये मैंने आज नोटिस किया है, आपको दिखाते बैग को। तो काफ़ी सही। इसके अलावा गाइस इसमें और दो चेन्स हैं, जिसमें और बहुत सारा सामान रख सकते हो, जैसे आप देख सकते हो इसकी चेन भी काफ़ी सही है यार, इसकी चेन भी काफ़ी सही है, इसमें और भी सामान रख सकते हैं, इसमें आप किताबें रख सकते हैं, पेन रख सकते हो, आपको जो चाहिए। यार ये बैग मैंने धोई नहीं है यार, मेरे को हमेशा घर वाले चिल्लाते रहते कि मैं अपनी बैग धोता नहीं हूँ, तो फिर ठीक है, इसमें मैंने कुछ बुक रखी हुई है। और इस बैग को अभी एक्चुअली हो गए हैं 5-6 साल गाइस, 5 साल तो हो गए कम से कम, इसलिए अभी सब जगह से फट चुकी है, लेकिन मैं इसको कभी कभी ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे फटी हुई बैग्स यूज़ करना पसंद है यार, तो मैं यूज़ करता हूँ। मुझे आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है इस बैग की वजह से, सिर्फ एक प्रॉब्लम हुई है जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। और इसके पीछे की जो बैग है ये एक लैपटॉप स्लीव जैसा है, इसके अंदर आप आपका लैपटॉप आराम से रख सकते हो, और पीछे पैडिंग भी है जो कि इसके साथ ही अटैच है, तो पैडिंग भी काफ़ी सही है, तो इसके अंदर भी और सारी चीज़ें रख सकते हो। इस बैग की बहुत अच्छी बातों में से एक बात यह है कि गाइस इसमें 2 पानी की बोतल रखने के लिए कंपार्टमेंट्स दिए गए हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो एक में हम लोग मास्क या कुछ खाने पीने की चीज़ें या फिर हमें जो चाहिए वो चीज़ें रख सकते हैं, एक में पानी रख सकते हैं, या फिर दोनों में भी चीज़ें रख सकते हैं, वो हमारे ऊपर है गाइस। और इन जनरल ये बैग तो काफ़ी सही लगती है मुझे, इसको बंद कर देने के बाद ये बैग सही बन जाती है गाइस। और ये भी कुछ तो दिया गया है गाइस, पता नहीं है किस चीज़ के लिए, बट ये भी काफ़ी हैंडी होगा, आपको अगर पता है तो मुझे बताओ कि ये किस चीज़ के लिए है। इसमें से सिर्फ एक ही चीज़ की कंप्लेंट मुझे इस स्काई बैग्स में लगी, जो कि मुझे वाइल्ड क्राफ्ट की बैग्स में भी लगी थी, कि यार इनकी जो चेन्स है वो पता नहीं यार, मतलब जैसे कि आप देख सकते हो इस घर से तो वो ऊपर होती है बट वो सही से नहीं होती है।
बट ये भी 3-4 साल यूज़ करने के बाद मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है गाइस। इन जनरल तो मुझे इस बैग के बारे में कुछ प्रॉब्लम नहीं लगता है गाइस, मुझे तो ये बैग काफ़ी अच्छी लगती है। लिंक शायद से मैं आपको दे दूँगा, आपको चाहिए तो आप वो ले सकते हो। स्काई बैग्स काफ़ी सही बैग्स है गाइस, मतलब यार उसमें मतलब सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है कि मैं जब भी कोई बैग खरीदता हूँ तो कि उसमें बहुत सारी स्पेस होनी चाहिए। तो इस बैग में बहुत सारी स्पेस तो ऑलरेडी है, आप इसको बस अच्छे से रखिए गाइस। यार ये वाइट कलर की अगर आप लोगे तो इसको अच्छे से धोइए, दूसरी बार बोल रहा हूँ मैं, बट अच्छे से धो गाइस, वरना बैग गंदी लगती है तो आपका इंप्रेशन भी गंदा होता है। बट अगर आपको पसंद है वैसा तो ठीक है, मतलब क्योंकि मुझे भी पसंद ही है वैसा, तो गाइस ठीक है चलो। स्काई बैग काफ़ी सही है, आपको अगर स्काई बैग लेनी है तो आप ले सकते हो। सब सामान बाहर निकल रहा है, मैंने चेन बंद नहीं की थी ठीक से।